शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलो कोर्ट पर रेज करते हैं। थैंक यू अभय। पर पहले तो नाम लिखवाना पड़ेगा ना। अभय, मैंने सारी तैयारी कर ली है, उसकी टेंशन मत करो। हाँ, अब बस इंतजार है तुम्हारी बारी आने का। मुझे यकीन था कि घर पे तो तुम हमारी शादी नहीं होने देती, पर अब कानूनी तौर पे तुम मुझे नहीं रोक पाओगी श्रद्धा। कुणाल, ठीक है तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, तुमने एक बार भी किसी चीज का जवाब नहीं दिया। कुणाल, कुछ बोलोगे भी क्या? एक मिनट का भी टाइम नहीं था तुम्हारे पास मेरे लिए? अब तुम यहाँ पर घर में अचानक से छुप के क्यों आ गए? अरे यार, कहाँ फंस गया? इतने सवाल इसके, क्या बोलूं इससे कि श्रद्धा पे नजर रखने घर में घुसा था। मैं तुमसे मिलने आया था आरती, यहाँ दिन रात दो दो नौकरियां कर रहा हूँ, वो भी तुमसे दूर होके। तुमसे मिलने आ ही नहीं सकता तो और कोई रास्ता ही क्या था मेरे पास? I'm sorry, कुणाल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन भी किया। क्या बताना आपकी, बोलो। इससे पहले श्रद्धा को पता चले ये शादी हो जानी चाहिए। अभय त्रिपाठी, रोशनी शर्मा जी, अगला नंबर आप लोगों का है, तैयार रहना जी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब अभय को तुम मुझसे कभी नहीं छीन पाओगी। अभय अब सिर्फ मेरा है, तुम हार गई श्रद्धा। भगवान, कहाँ से शुरू करूँ मैं अभय को ढूंढना? कहाँ होंगे वो? फोन करती हूँ उन्हें। फोन उठाइए अभय। क्या हुआ रोशनी? हाँ, ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। क्या ठीक है, मुझे खुद इतना अजीब लग रहा है। क्यों? क्यों अजीब सा लग रहा है? हो रही है ना शादी? अभी कोर्ट मैरिज हो जाएगी और फिर घर पे फेरे हो जाएंगे। अभय और रोशनी, कोर्ट मैरिज? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मुझे किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं? हे भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। कैसे मैं इतने कम समय में अपने पति के साथ गलत होने से रोकूं? मदद कीजिए भगवान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब तक तो हमारी बारी आ जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ। अब सर, और कितना टाइम लगेगा? मेरा बस चलता तो मैं 10 मिनट पहले ही करवा देता, अगर अंदर वाले पति पत्नी आपस में न झगड़ते। आप लोग 2 मिनट बाद आ जाइएगा, आपका ही नंबर है।
चलो बस दो मिनट में हमारा नंबर आ जाएगा। तुम खुश हो ना? बहुत। चलें? रुको बेटा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा बेटा। पर कहां? जय सियाराम। आप कहां ले जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं ले जा सकते। हमें कोई नहीं रोक सकता। जय सियाराम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सियाराम। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सियाराम। जय सियाराम। अरे जय सियाराम। भाई साहब मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? जय सियाराम। जय सियाराम। जय सियाराम। जय सियाराम। अरे जय सियाराम। भाई साहब क्या कर रहे हो? मेरा कोई इंतजार कर रहा। जय सियाराम। जय सियाराम। जय सियाराम। तुम कौन हो? श्रद्धा तुम ये सब क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? मुझे जय सियाराम। क्या कर रहे हो? जय सियाराम। जय सियाराम। जय सियाराम। मुझे माफ कर दीजिएगा आप, अगर मुझे आपको अपने सुहाग को बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।